पूरे महीने के कपड़े मैं आज ही धोऊंगा इस डिटर्जेंट से, जिसका सिर्फ एक ढक्कन ही काफी है। एक ढक्कन डिटर्जेंट की ताकत तुम क्या जानो मशीन बाबू, खुद ही देख लो। चलो अब मुझे बाकी के काम भी करने हैं। बीड़ू, ये क्या एक ढक्कन की टेप बजा रहा था? या कपड़ा धोने के पाउडर के बारे में बोल रहा था बाबा? या बक्सा उठा ला रहा बाबा? बीड़ू पाउडर डाल दे। डाल रहा हूँ, ये ले पूरा डाल दिया। अमर रहे पिल्ले की बस्ती बहन रहे, ये साबुन तो फैल रहा है ना बाबा? ये तो फैलता ही जा रहा है। अरे जल्दी से घर में घुसो, ये तो इधर भी आ गया, ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा। ये डाल के भाग। पता नहीं ये खाना बनने में अभी कितना वक्त है। हाय हेलो मामू, ये क्या हो रहा है? ये साबुन तो पूरे घर के अंदर फैल रहा है। अरे अंदर ही नहीं बाहर भी फैल रहा है। देख रहे हैं एक ढक्कन डिटर्जेंट की ताकत। अच्छा आओ जरा बाहर आ। अरे दिमाग को शॉट मत दे, पैसा दे पैसा। आओ ये ले। तू भी ये शायद ले। अरे वो देख ले। आओ ये इतने बिल्डिंग कैसे बने? आओ ये क्या लगता है? ये साबुन है। आओ नहीं ये साबुन ही है। आओ ये क्या? कड़ी धूप में सिर्फ बिल्ले के घर पर बरसात आई और बिल्ले के घर का रंग धोकर चली गई। ये क्या मेरे शरीर का सारा रंग कैसे उड़ गया? उड़ गया या बदल गया? मुझे कौन सी बीमारी हो गई? ये कलर ज्यादा बीमारी होने का बाबा। मालूम नहीं भीड़ू कहाँ गया मेरा रंग। मेरे रंग बाहर आ जा, बाहर जाता हूँ। रंग आ जाओ मेरे रंग। कहां से आएगा रंग जब मेरा पूरा घर ही है बेरंग। रंग आ जाओ, आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ। आओ क्या हुआ बिल्ले को? लगता है इसका रंग उड़ गया। आओ हाय ओगे, ये रे शहद, ये रे पैसा। मुझे बहुत रोना आ रहा है। उनके दिमाग की बत्ती जले लिए। आ जाओ चलो बुलाना। आ रहा है बाबा। चल ये इस पेटी में कलर है भेड़ू, लेकिन ये पेटी में ताला होना रे बाबा। ये टपलू चलेगा भेड़ू। अल्लाह बोल दे टपलू, कुछ बोल मत टपलू, मुंह बंद कर और ताला खोल दे। खुल गया भेड़ू। क्या क्या रंग का कलर है इसमें? कलर कॉकरोच गैंग। कहां से लाऊं रंग मेरी बेरंग जिंदगी में भरने के लिए? रंग आजा, पता नहीं कब आएगा। अल्लाह बोल दे भीड़ू, कुछ बोलना नहीं वरना उसको पता चल जाएगा। अरे तो इतना क्यों बोल रहा है? नहीं छोड़ूंगा। अरे ठीक से देख ले, फिर खुद ही नहीं छोड़ेगा। ऐसा रंग मुझे भी करना है। उसके लिए पैसा लगेगा मामू। ऐसे नहीं, पर मेरे पास ये कार्ड है। कोई बात नहीं, कार्ड भी स्वाइप हो जाएगा। इसमें अपना पासवर्ड टाइप कर दो। मैं भी करता हूँ लेकिन तुम्हारे सामने नहीं करूँगा। ये लो। थैंक यू। ये ले तेरा बिल, वो रहा कलर। ए, रंग आ गया मेरे पास। अब ये सारे रंग मेरे हैं। अब मैं भी बनूंगा रंगीन। बन जाओ मामू। ए, क्या रंगीन दांत है, एक फोटो तो बनता है। वाह, अब तक मुझ ब्लैक एंड व्हाइट के कितने रंगीन फोटो आ चुके हैं। ये तो बौखला गया बाबा। आगे आगे देख बीड़ू। निकल जा फोटो, कितना टाइम लगाता है। ओके एक और फोटो, कम ऑन होगी। ये क्या? इस एल्बम के हिसाब से भैया हरे रंग के थे और मैं नीले रंग का, तो देर किस बात की है। रंग तो होगी खुद को, पूरे शरीर में सब जगह नीला, नाक पर लाल, दाढ़ी पीली और पेट पर थोड़ा सा काला। हो गया मैं बिल्कुल पहले जैसा रंगीन। ये क्या? ये तो मेरे घर के रंग है, यानी मैं अपने घर को भी पहले जैसे रंग सकता हूँ। डरना मत टॉयलेट, मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूंगा। तुम्हें भी बाथरूम, सेम टू यू फ्रिज एंड सेम टू यू किचन।
पूरा घर तो रंग दिया, अब बस ये घास बची है, पर इसे भी मैं चंद मिनटों में हरा कर दूंगा। आओ, बिल्ले की जिंदगी तो पहले से भी रंगीन हो गई है। चुप कर, वरना तुझे भी रंग दूंगा। गुस्सा मत कर, ये रहे शहद। ये पैसा ले और निकल ले। हो गया मेरा पूरा घर पहले जैसा रंगीन हो गया। ये क्या, वाह क्या बात है, बिल्ले के रंगीन घर को काले बारिश के पानी ने फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। अच्छा ये क्या, ये रंग तो पानी में बह जाता है, मुझे बेवकूफ बनाया। उसमें बनाने का क्या मामू, नहीं छोड़ूंगा। रुक मामू, उधर देख। हाँ, क्या है वहाँ? रंग वापस आ रहे हैं। हिट है बॉस। कॉकरोच गैंग। चुप करो, मुझे इन सारे रंगों को ठीक से देखने दो। अहो, ये कितनी बार रंग भरता है। अपने को क्या करने का है? अहो, सही कहा, सामान मिल गया, तू वापस मत मिलना। सेम टू यू। अब तू छोड़ दे मामू। ए, चुप करो, मुझे शांति से टीवी देखने दो। ए, ये क्या, टीवी के सारे प्रोग्राम्स बेरंग हो गए। जब मेरी जिंदगी रंगीन हो गई है तो मेरा टीवी बेरंग कैसे रह गया? कलर कलर मिर्च कलर। अच्छा, ये क्या, शहर से इतने दूर इस बंजर रेगिस्तान में कौन आया है? ओह, तो ये बात है, मैं पहुंच गया। इस जगह की फोटो लेना बहुत जरूरी है, लगता है दूसरी लेंस लगेगी। लेंस ला जल्दी। आ रहा हूँ भैया। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेंस दे दे जल्दी। हाँ लीजिए भैया। हाँ ये ठीक है, मेरे तो पसीने निकल गए। तेरी बैग में से कॉकरोच निकल गए? चलो बीड़ू, अपन भी घूमते हैं। ये देख मामू, चल मैं इसकी फोटो निकालता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अल्लाह बोल बोल रहे रे बाबा। वाह क्या फोटो है। वाह मामू क्या फोटो है। मैं तुम लोगों को तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ये क्या हो रहा है, मेरे पैरों के नीचे की जमीन कैसे फिसल रही है। ओए मुझे बचाओ बचाओ, वरना पता नहीं मैं कहाँ चला जाऊंगा, लोगों के घर उजड़ जाएंगे। मामू क्या फोटो आया है बिल्ले का। तू यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। कैसे छोड़ेगा, पहले पकड़ दो ले। इसे पकड़ने के चक्कर में मैं ही छूट गया। पीड़ू ये तू नीचे गया, लेकिन इतना नीचे होगा क्या, नीचे मम्मी रहेगी, अपुन उसको बेच के पैसा कमाएगा और पैसों का पापा बन जाएगा, लेकिन अपुन अकेला नहीं करेगा। बौखला गया रे बाबा, लेकिन ये झपलू किधर गया रे? झपलू का छोड़ भिड़ू, तू किधर जा रहे ला वो देख, अपुन भी आ रहे ला। एक बात समझ में नहीं आई, मैं गिर के जाऊंगा कहाँ? ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये मैं कहाँ आ गया, मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। लगता है मैं भूतकाल में आ गया हूँ, उस वक्त में जब ये पिरामिड्स बन रहे थे। वाह क्या बात है, ये लोग पिरामिड बना रहे हैं। अरे मत बनाओ, बिल्ला आ गया है, उजाड़ देगा। ए, मुझे तो सब देख के चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अहो, राजा बाबू के राज में बिना काम किए रुकना नहीं। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा ये काम। बीड़ू वो देख अपना मामू, जोर लगा के, जोर लगा के। क्या कहा? इसका तो आमलेट बन गया बाबा। वाह क्या पोज है। आओ काम चोर, ये इतने छोटे से नन्हे से बच्चे कौन है? आओ ये तो राजा बाबू है, मैं नंदू आपका बंदू। मामू अब राजा बाबू जैसे डायलॉग बोलने पड़ेंगे। सुन मामू, इंटुकले पिंटुकले यहाँ से सटक ले, बाजू की आंटी बजा रही है बार बार घंटी, समझे कि नहीं समझे? क्या समझे, चल अब खा कुजा बत्ती बुझा और सो जा। राजा बाबू मैं तो सोया ही हूँ। मामू ये तो सच में मान गया। आओ
मेरा राजा बाबू का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। राजा बाबू कहाँ गए? लगता है वो खो गए। किसने उठा लिया रे बाबा? चुप कर, वो काम पे गया है। भीड़ू जल्दी से मम्मी को ढूंढ के पैसे का पापा होने का है। रास्ता तो बराबर है, लगता है अपन ये नक्शा उल्टा पकड़े ला है। भीड़ू समझ गया इधर ही जाने का है। ये क्या? देखते हैं इधर क्या है। अरे इधर तो नंदू और बिल्ले राक्षस के फोटो है। मतलब वो जमाने में भी बिल्ले के पास कैमरा होगा। भीड़ू इस फोटो के पीछे जाता हूँ, मम्मी मिल जाएगी। ये अपनी तो बैंड बज गई। ये क्या? ये तो मम्मी है। मम्मी पैसे का पापा आ गए रे मम्मी। ये दिली भुजती क्या को है? हट जाओ हम लोग बाजू में। मम्मी और पैसे के पापा को जाने के लिए रास्ता दो। थक गया भीड़ू, थोड़ी देर बैठता हूँ। तू किधर जा रही है? रुक जा मम्मी, किधर जा रही है? रुक तू, रुक मम्मी। तू मम्मी है कि मामू है? तू किधर भी जाओ मम्मी, आपको नहीं छोड़ेगा। सब लोग हट जाओ मामू, नहीं तो बैंड बज जाएगी। मामू ये गाड़ी में ब्रेक है ही नहीं। मुझसे ये और आगे ढकेला नहीं जाता। तू रुक जा मामू, मैं तेरे को आगे ढकेलता है। क्या चांस मिला है भीड़ू? रुक जा, तेरे बैंड बजाता हूँ। आगे तो ढेर ले, अपुन की तो बैंड बज गई। काम चोर कहीं का, अब चुप भी करो। बीड़ू मम्मी खुल गई, लेकिन मम्मी निकलने की जगह लाइट काहे को निकल रही है? पटा पोस्टर, निकला हीरो। किसने मेरी नींद तोड़ी? किसने मुझे बाहर निकाला? हाँ, ये तो भड़क के अपुन केस पास आ रहे हैं। नहीं छोड़ूंगा। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, लेकिन मैं भी भागता हूँ। सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? चलोगी? निकल ले, अब तुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। अपुन को भी? जाना नहीं, आ रहा हूँ मैं। मैं तो जा रहा हूँ। अपुन भी आ रहे ना मम। ओए कहाँ गया था इतने टाइम से? कौन है? मैं कहाँ हूँ? मैं तो वापस आ गया। मैं भूतकाल से वर्तमान में वापस आ गया। ए भैया, मैं वापस आ गया। अपुन भी वापस आ गया। ये भी? ओए तोड़ दूंगा। ओए! और फिर हम लोग भूतकाल में गए, जहाँ हमें आदमी मिला जो एकदम आओ बॉब की तरह दिखता था, पर उसने सर पर रुमाल बांध रखा था। फिर वहाँ एक मम्मी आई। बहुत मजा आया भैया। मजा तो तब आएगा जब मैं तुझे सजा दूंगा। हे, फ्रिज में से अजीबो गरीब आवाजें कैसी आ रही है? चलो मेरे एक्सरे चश्मे की मदद से देखता हूँ। कॉकरोच नंबर 1, कॉकरोच नंबर 2 और कॉकरोच नंबर 3। अभी बताता हूँ। बहुत चख लिया खाना, अब थोड़ा मजा चख लो। भीड़ू अपुन किधर जा रहे ले? उठा ले रे बाबा। रुक जाओ, पूरा फ्रिज खाली हो गया। चुप, एकदम चुप। अभी तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाता हूँ, कचरे के मैदान यानी डंपिंग ग्राउंड में। ये क्या बात हुई? लो बिल्ला भी चला कचरे के देश। अलविदा बिल्ले। अच्छा ये क्या, इतना सारा कचरा है यहाँ? आखिर इतना कचरा फेंकता कौन है? ये कचरे का मैदान है या समंदर? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? वहाँ देखता हूँ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरा पैर चुंबक है और ये कचरा नहीं लोहा है जो मेरे पैर पर चिपकते ही जा रहा है। चलो कम से कम एक किनारे तो पहुँचा, अब ऊपर चढ़ना है। काफी ऊँचा है पर मैं चढ़ूंगा। ये पत्थर मजबूत है, मैं इससे आसानी से चढ़ जाऊँ। जितनी लगती है उतनी आसान नहीं है ये चढ़ाई।
थोड़ी मेहनत जरूर है लेकिन मैं चढ़ जाऊंगा। चलो कम से कम ऊपर का हाथ सही सलामत है। मैं तो फिर से गया। तुझे तो जाना ही था रे बाबा, यल ये भिखा। नहीं ए, कुछ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकलना है। वैसे नामुमकिन तो कोई चीज नहीं होती, कुछ तो होगा जेब में। हाँ, इस पर चढ़ के बाहर निकलूंगा। ए, हाँ, बाहर की दुनिया। हमला बोल रहा बाबा। बोल रहा हूँ बीड़ू। हमला हमला उधर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं गिर जाऊं। ए, गिर गया है, बच गया। इतनी जल्दी नहीं मामू। हमला ये तो मेरी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी थी, मतलब अब ये पूरा अंबार मुझ पर गिरेगा। काश ये देखने से पहले मेरे नाक आंख और हाथ अलग हो जाते। बच गया। ए, हमला हमला। वागी क्या दिमाग लगाया है, एक ही फटके में सीधे इस दलदल से बाहर। सिर्फ इस रस्सी के कटने की देरी है। हाँ, कट गई। 1 2 3 मुझे पता था ये प्लान फेल होगा। कचरे की तोप आग लगा दी, अब फायर होगा गोला, और इसका गोला मैं हूँ जो फायर होके सीधे बाहर जाएगा। इतनी जल्दी बाहर कैसे जाएगा मामू, ये ले। वाह क्या बात है, चला था बनने तोप का गोला, बन के रह गया खुद ही शोला। अच्छा इस गाड़ी में बैठूंगा मैं, इसी गाड़ी से घर जाऊंगा मैं। इसकी तो बैंड बजेगी भीड़ू। साइलेंस। चलोगी पलट सवार। ए, ये क्या, सवारी ही पलट गई। इस बार बिना किसी गलती के ये गाड़ी ऊपर जाएगी, वो भी स्पीड में। कुछ भी हो जाए आज मैं बाहर निकल कर ही रहूंगा। ए, ये बाहर क्यों निकला। ए, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। वह मेला का खेला देख, ड्राइवर बिल्ला गाड़ी में घूम रहा है, घूम रहा है। अच्छा है ये क्या, पेट्रोल नहीं। कम से कम इसी बहाने गाड़ी रुकी तो। कुछ भी हो जाए स्टेयरिंग नहीं छोड़ना। इसे देख के मुझे मेरे टीवी की याद आती है। ओ टीवी, तेरे बिना क्या जीना। फोन आया, जरूर भैया का होगा। हेलो भैया। भैया नहीं मामू, ये है कॉकरोच गैंग की रास रचैया। नहीं छोड़ूंगा, निकल ले बीड़ू। बहुत हो गया मेरा बचना, अब तुम लोग मुझसे बचो। हम लोग हर बार बचते हैं मामू, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। ऐसा तू हर बार बोलता है मामू, इस बार करके दिखाऊंगा। रुक जाओ, वो भी रुक गया। ये तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, क्यों ना इसी उछाल का फायदा उठा के बाहर निकला जाए। ये तो पागल हो गए ले भीड़ू। कभी कभी थोड़ा बहुत पागलपन करना जरूरी है, और इसी पागलपंती के सहारे मैं बाहर निकलूंगा। आप कौन हो भाई? भैया मैं ऑगी हूँ, ऑगी। मुझे मेरे घर छोड़ देंगे प्लीज, मैं यहाँ रहता हूँ। बिल्ला विदाउट टिकट फ्लाइट से घर आया है, वो भी पायलट की आगे वाली सीट से। अच्छा लगता है मैं घर आ गया हूँ। थैंक यू भैया। वेलकम। मेरा पूल, मेरा गार्डन, मेरी मिट्टी, कितना सुकून है यहाँ। जी करता है सारी उम्र यहीं पर लेटा रहूं और यहाँ से कहीं ना जाऊं। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं मत जाना बिल्ला, क्योंकि कचरा पेटी तेरे घर में ही है। अच्छा है। कचरा पेटी अमर रहे।